विनोद बंसल जी, ये कुछ भी बोलते हैं शोएब जमाई। दीपक जी आज आपके शो में यासिका का दर्द ऐसा था कि मेरा तो गला रुंध गया। वास्तव में अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर देश के अंदर सेंसिबिलिटी होगी, थोड़ा सा भी कि दिमाग होगा, मानवता होगी, अगर कोई पत्थर दिल हो तब तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। या जिन्होंने जिहाद की कसम खा रखी हो, तलवार के बल पर पूरे दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने की कसम खा रखी हो, उनका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर किसी ने भी आपकी डिबेट जब देखी होगी, जो भी जो डिबेट देख रहे हैं आपके करोड़ों दर्शक जो है, वो आंखों में से आंसू आ गए होंगे इस बेटी के दर्द सुन करके। और कम से कम ये जो आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता किस पत्थर के बने हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के पानी में मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ये कम से कम अगर इनकी बेटी होती, इनकी सगी बेटी होती, तो इनके साथ क्या होता, क्या बीतता। और मुझे बताइए, ये यासिका के साथ जो छल हुआ, जो कपट हुआ, जो दुराचार हुआ, जो पापाचार हुआ, जो अनाचार हुआ, वो जो कानून के साथ में जो खिलवाड़ किया, आखिरकार मैं चाहता हूँ इसका एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। और जो पुलिस अधिकारी है जिनके जहां पर इसने मुकदमा दर्ज किया, उन्होंने जो बदमाशी को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई और उस इस्लामिक जिहादी और उसके गैंग के साथ भी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी बेटियों का तीरहरण किया और पूरा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कहता हूं इस बेटी को किसी भी तरह से न्याय अविलंब मिलना चाहिए, और मिलाकर रहेंगे हम। लेकिन इस तरह की सारी बेटियों को न्याय मिले, विश्व हिंदू परिषद का ये संकल्प है। विनोद बंसल जी आप भाषण दे रहे हैं, लेकिन पहले आप बोलिए कि आप यशिका के साथ खड़े रहेंगे, उसके पास पैसे नहीं है, कानूनी मामले में मदद करेगी विश्व हिंदू परिषद, वादा करिए। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं पर्सनली इनके केस को देखूंगा। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहने की कोई बात ही नहीं है। जब आपने वादा कर दिया, पूरा समाज इसके साथ खड़ा हुआ है। मेरा अकेला विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद नहीं है, इसमें ऐसी हर बेटी के साथ में हिंदू समाज खड़ा हुआ है।